इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट ग्रुप के बारे में। पॉइंट ग्रुप किस प्रकार से अपने को डिटरमाइन करना है किसी मॉलिक्यूल का, इसके बारे में देखते हैं। पॉइंट ग्रुप को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम उसको अपने इजी वे में कैसे देखेंगे, किस प्रकार से हम इसको आसान बनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले अपने को जो सिमेट्री ऑपरेशन होता है, पांच सिमेट्री ऑपरेशन, जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक अगर आपने उस ऑपरेशन के बारे में आपको नहीं पता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इसको देखने का देखिएगा, तभी ये अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पॉइंट ग्रुप के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में स्वागत है। तो लेते हैं पॉइंट ग्रुप क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप किस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है पॉइंट ग्रुप, तो किसको बोलते हैं, ये सिमेट्री ऑपरेशन का एक प्रकार का सेट होता है। सेट्स जैसे जितना भी सिमेट्री ऑपरेशन होता है उसको एक सेट बनाते हैं, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। या तो हम बोल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्री ऑपरेशन को एक मॉलिक्यूलर ग्रुप में हम कंबाइन कर देते हैं। जितना भी मॉलिक्यूलर ग्रुप मिलता है जो सिमेट्री ऑपरेशन, वो मॉलिक्यूलर ग्रुप को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने पर एक अलग से ग्रुप, इस ग्रुप में जो एक कंबाइन ग्रुप प्राप्त होगा, एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसी को हम पॉइंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। टोटल पॉइंट ग्रुप की संख्या जो होती है वो 32 होती है, और जनरली इसको कई प्रकार से डिनोट करते हैं, जिसमें से मेनली जो हम जो जनरली अपने को देखने को मिलता है वो एक होता है स्वेनप्लाइस का, और दूसरा हरमन मोइगेन का सिंबल होता है। हरमन मोइगेन सिंबल जो होता है जनरली वो क्रिस्टलोग्राफी और मटेरियल साइंस में किया जाता है, और जो CSIR, नेट, गेट, सेट या कहीं भी अपने को क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जनरली स्वेनप्लाइस नोटेशन पर बेस्ड होता है। तो इसी स्वेनप्लाइस नोटेशन बेस्ड पर हम यहाँ पर पॉइंट ग्रुप को डिस्क्राइब करेंगे, इसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखते हैं, तो जैसे जनरली मैं अभी बोला कि पॉइंट ग्रुप जनरली सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, तो इसको इजी बनाने के लिए, समझने के लिए इजी बना रहा हूँ मैं, तो इसको मैं 5 स्टेप में डिवाइड कर रहा हूँ, और इसी स्टेप के अकॉर्डिंग अपने को चलना है, जिससे किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप हम आसानी से खोज सकें। ठीक, तो इसमें मैं पहला ले रहा हूँ एक स्पेशल पॉइंट ग्रुप। स्पेशल पॉइंट ग्रुप में हम क्या क्या देखेंगे, तो स्पेशल पॉइंट ग्रुप में हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें ये जो यहाँ पर नोट किया हूँ मैं, सी इन्फिनिटिव वी, डी इन्फिनिटिव एच, या तो कोई रेगुलर स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या आइकोसाहेड्रल, इस प्रकार से अगर कोई स्ट्रक्चर है तो इसको हम किस में लेंगे, स्पेशल पॉइंट ग्रुप में लेंगे। दूसरा, यदि अगर अपने को कोई स्पेशल पॉइंट ग्रुप दिखाई नहीं देगा, ठीक, अभी बात करेंगे सबके बारे में, तो स्पेशल अगर पॉइंट ग्रुप दिखाई नहीं देगा तो हम बढ़ेंगे लोअर सिमेट्री की तरफ। लोअर सिमेट्री में देख सकते हैं स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें हम लेंगे CS, CI और C1। ये कैसे निकलेगा सबके बारे में बात करेंगे। अगर लोअर सिमेट्री भी नहीं मिलता तो हम बढ़ेंगे SN पॉइंट ग्रुप की तरफ, जिसमें S2, S4, S6 या S8 आपको मिल सकता है। अगर ये भी नहीं दिखता है तो फिर से उसको हम दो भाग में बांटेंगे, एक तो साइक्लिक फॉर्म वाला और एक डाईहेड्रल फॉर्म वाला। साइक्लिक फॉर्म जिसमें CN, CNB, CNH हो सकता है, या तो डाईहेड्रल फॉर्म में DN, DND या DNH हो सकता है। तो ये 5 स्टेप में हम इसको स्टडी करते हैं, तो आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल को पॉइंट ग्रुप खोज सकते हैं। इसमें मैं पहला उठाता हूँ स्पेशल पॉइंट ग्रुप को, जिसमें 5 प्रकार से यहाँ पर 5 टाइप से फिर से डिवाइड किए हैं, सी इन्फिनिटिव भी, सी इन्फिनिटिव एच, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और आइकोसाहेड्रल में। ठीक, तो यदि मॉलिक्यूल लीनियर है, ठीक, अब स्टेप वाइज शुरू करते हुए चलते हैं। यदि मॉलिक्यूल लीनियर है और उसमें अपने को फिर से एक पॉइंट खोजना है, यदि मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, जिसको इन्वर्जन सेंटर के नाम से भी जानते हैं, यदि किसी मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है और तो हम उसको डी इन्फिनिटिव एच के अंदर लेंगे। लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ ना, यदि मॉलिक्यूल लीनियर है तब के कंडीशन में। यदि मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको सी इन्फिनिटिव भी में लेंगे, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला, अगर मान लेते हैं अब मॉलिक्यूल लीनियर है, अपने को लीनियर मॉलिक्यूल दिख गया, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, अगर कोई एग्जाम में कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, अगर उसमें आप देख रहे हैं कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है
तो उसमें से सिर्फ दो ही हो सकता है, सी इन्फिनेटिव भी होगा या तो डी इन्फिनेटिव एच, दोनों के सिवाय एक्सेप्ट, ये दोनों के एक्सेप्ट कोई तीसरा नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे यदि डी इन्फिनेटिव एच कब लेना है और डी इन्फिनेटिव सॉरी सी इन्फिनेटिव भी कब लेना है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो डी इन्फिनेटिव एच में लेना है, यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो उसको आपको सी इन्फिनेटिव भी मिलेना है। यही एक खास पहचान होती है दोनों में डिफरेंट करने का। आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री पहचानना कैसे है, तो देखेंगे कि यहाँ पर एक जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसको आप बीच से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं, यदि बीच से डिवाइड करते हैं और दोनों साइड का जो पार्ट होता है वो सेम रहेगा तो आप उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मानेंगे, यदि दोनों साइड का पार्ट जो मिल रहा है वो डिफरेंट है तो आप बोलेंगे कि वहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। तो उस कंडीशन में फिर से आगे आप क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख लीजिएगा क्या क्या रहेगा उसमें। आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पहचानना कैसे है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा एक चीज़, मेरे को यहाँ पर नोटिस हो रहा है सी इन्फिनिटिव भी इस साइड में आ गया है, डी इन्फिनिटिव एच के साइड में, जो कि इस साइड में रहना था। ठीक, ध्यान उसको नोट कर लीजिएगा, आप उसको इधर कर लीजिएगा। तो सी इन्फिनिटिव भी और इसमें आप जो मैं बोल रहा हूँ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो जैसे कि ये जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसको आप एक बीच में एक एक्सिस बनाते हैं या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो आप इस प्रकार से डिवाइड किए देखिएगा, तो देख रहे हैं आप इसको, आपको दिख रहा होगा इसमें देखेंगे तो इधर सी एच है तो इधर सी एफ है, दोनों साइड का पार्ट सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। दूसरा वाला कंडीशन में देखते हैं तो इसमें देखिए दोनों साइड में सी एच है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बोलेंगे। CO2 में बात करते हैं जो नीचे दिया गया है तो इसमें भी देखेंगे आप दोनों साइड में पार्ट, दोनों साइड का पार्ट सेम है तो आप इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी प्रकार से आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है। दूसरा और देख लेते हैं, यदि इस प्रकार से देखते हैं जैसे कि ये तो इस प्रकार से अगर दिया है तो अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल दिया है तो उसको आप बीचों बीच इस प्रकार से काटेंगे और देखेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो दोनों साइड का पार्ट सेम है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री लीनियर मॉलिक्यूल में आपको कैसे खोजना है। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कौन अब डी इन्फिनिटिव एच है और सी इन्फिनिटिव भी है। तो इसका जो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई देगा, डी इन्फिनिटिव एच में देखते हैं तो दोनों साइड सेम और सी इन्फिनिटिव में डिफरेंट डिफरेंट। तो आप बोल सकते हो डी इन्फिनिटिव एच में होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा जबकि सी इन्फिनिटिव भी में हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इस टाइप से आप बता सकते हैं। अगर अब बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल खत्म हो गया, अब उसमें सही दो ही हो सकता है, इतना में आप पहचान ही लोगे कि क्या रहने वाला है। ठीक, अगला देखते हैं, स्पेशल क्लास में ही आगे बढ़ते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर की तरफ। तो रेगुलर स्ट्रक्चर में यदि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, ठीक, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप के नाम से जानेंगे। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि CH4, CCl4 या तो SiCl4, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। या ध्यान में रखिएगा P4 भी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है, P2O4 भी, सल्फेट आयन भी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। नंबर आप ऑपरेशन के बारे में अगर बोला जाए आपको टेट्राहेड्रॉन में, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप में, तो नंबर आप ऑपरेशन होता है 24। जबकि सी इन्फिनिटिव भी और डी इन्फिनिटिव एच में देखे, मतलब लीनियर मॉलिक्यूल में, तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या मिला, इन्फिनिटिव। वहाँ पर पॉइंट ग्रुप में ही लगा इन्फिनिटिव, तो वहाँ पर ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन्फिनिटिव होता है। तो जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होगा उसको आपको टेट्राहेड्रॉन में लेना है। दूसरा, यदि कोई रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक, कोई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ना, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसमें हम क्या लेंगे, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप ही लेंगे। ठीक, ध्यान में रखिएगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर होना चाहिए।
इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन होता है 48। ध्यान रखिएगा, कभी कभी नेट में कोई भी एग्जाम में पूछ देता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। जैसे कि पिछले बार CSIR नेट 2000 कितना बोल रहे हैं जून 2019 में के बारे में बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन के बारे में कोई भी पॉइंट ग्रुप के बारे में पूछा था, एक्चुअल में एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें कितना होता है, 48 होता है। और इसका एग्जाम्पल जब देखेंगे तो रेगुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा रेगुलर स्ट्रक्चर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूँगा मैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक। साथ में यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर, वहाँ पर भी Mn6 मिलेगा आपको, तो उस कंडीशन में आप चेक करेंगे कि कहीं वहाँ पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो नहीं है। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है तो आपको पता है एक्जियल जो लेंथ होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे एक्जियल लेंथ, ये जो एक्जियल लेंथ होता है या तो ये घट जाता है या तो बढ़ जाता है। ध्यान में रखिएगा उस कंडीशन में ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप ये नहीं देने वाला, तो उस कंडीशन में ये अलग पॉइंट ग्रुप देगा, ठीक। बात करेंगे बाद में कि किस प्रकार से वहां पर आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे तो स्पेशल पॉइंट ग्रुप में आइकोसोहेड्रल, और इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन होता है 120, जिसका एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं फुलेरिन और बोरान हाइड्राइड का कॉम्प्लेक्स यहां पर आपको मिल जाएगा। अगला, अब आपको स्पेशल पॉइंट ग्रुप दिखा, उतना में समझ में आ गया कि रेगुलर कोई स्पेशल पॉइंट ग्रुप है। अगर स्पेशल पॉइंट ग्रुप नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब कोई वहाँ पर एक्सिस खोजने का प्रयास करते हैं, रोटेशनल एक्सिस या तो इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस खोजने का प्रयास करते हैं, ठीक। मान लेते हैं अपने को रोटेशन एक्सिस और इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस दोनों नहीं दिखता, अगर कोई मॉलिक्यूल में स्पेशल पॉइंट ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है, साथ में आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, लोअर सिमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला लेते हैं लोअर सिमेट्री में, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोअर सिमेट्री में क्या लिया हूँ, सबसे पहले C1 लिया हूँ, ठीक। तो इसमें आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे होंगे नो सिमेट्री एलिमेंट, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट या कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना 360 डिवाइड बाई थीटा, अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू ही 360 हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 मिले, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलने वाला है, ठीक। ये कंडीशन कब होगा, जब पूरा का पूरा चक्कर लगाने पर वही से आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त हो, तो ये इक्विवेलेंट ना होकर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा जब एक पूरा चक्कर लगाएगा तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है सिवाय किसके, आइडेंटिटी के। कोई भी मॉलिक्यूल के पास उसका आइडेंटिटी रहता ही है, एक चक्कर लगाएगा आइडेंटिटी प्राप्त होगा, उसका कोई भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, ध्यान में रखिएगा सिमेट्री एलिमेंट नहीं है लेकिन इसका आइडेंटिटी रहता है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं C1 इज इक्वल टू क्या होगा, E हो जाएगा, जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा, कोई भी एटम है उससे जुड़े हुए, कोई भी सेंट्रल एटम है उससे जुड़े हुए जितना भी एटम रहेंगे वो सब के सब पूरे डिफरेंट रहते हैं, मतलब टोटल ऑल एटम आर डिफरेंट इन मॉलिक्यूल, तो इस कंडीशन में ही आपको C1 सिमेट्री आपको मिलेगा। ध्यान में रखना है ये कंडीशन, फिर ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, और उसका स्ट्रक्चर उसका एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो C1 सिमेट्री हो गया जिसमें सभी एटम्स डिफरेंट होंगे, उसको हम C1 में कंसिडर करेंगे। लोअर सिमेट्री में ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा पॉइंट ग्रुप CI के बारे में, तो CI यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ केवल क्या रहेगा, यहाँ पर ओनली इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। सिर्फ एक एक ऑपरेशन के बारे में बात करते जा रहा हूँ, पहले तो कुछ भी ऑपरेशन नहीं था, फिर अब यहाँ पर देखते हैं एक ही ऑपरेशन रहेगा और वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर बोलेंगे उसका आइडेंटिटी तो साथ में रहता ही है, साथ में क्या रहेगा यहाँ पर इन्वर्जन सेंटर, तो हम इसको बोलते हैं ऐसा पॉइंट ग्रुप को CI के नाम CI से डिनोट करते हैं। ऐसा कंडीशन आपको कब प्राप्त होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम के दो सेट अगर रहे, डिफरेंट एटम के, जैसे कि अभी C1 में बात किए सभी एटम्स क्या थे, एक मॉलिक्यूल में
डिफरेंट थे, वैसा ही सेट अपने को, वैसा ही दो सेट अपने को मिल जाए, दो सेट, तो उस कंडीशन में आपको सी आई मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए सी एच एफ सी एल और सी एच एफ सी एल, अगर ऐसा कोई कंडीशन है, टेट्राहेड्रल रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन, तो यहाँ पर देख सकते हैं उस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से कंडीशन मिलेगा। अगर यहाँ देखिए, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सॉरी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे आप, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ेंगे और ये फ्लोरीन से फ्लोरीन जोड़ेंगे, तो यहाँ पर बीच में क्या बन जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बन जाता है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आपको दिखता है डिफरेंट एटम के दो सेट बने तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है, तो ये कहलाएगा सी आई पॉइंट ग्रुप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला पॉइंट ग्रुप में लो और सिमेट्री में ही बात करते हैं। तो एक अगला पॉइंट ग्रुप आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिरर प्लेन हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मिरर प्लेन हो, तो उसको हम सी एस पॉइंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। अभी मिरर प्लेन दो टाइप से हो सकता है, आइडेंटिटी तो उसके पास रहेगा ही, साथ में क्या है, मिरर प्लेन है। अब यहाँ पर या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो हम वहाँ पर भी लेते हैं, तो यहाँ पर सी वन भी हो सकता है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, या जनरली इसको मॉलिकुलर प्लेन में प्लेन बने, तो उस कंडीशन में हम उसको लेते हैं एच। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन को ही हम क्या बोलेंगे, सी एस बोलते हैं। सी वन भी हो सकता है या तो सी वन एच भी हो सकता है, तो इसको तीन नाम से आप बोल सकते हैं। तीन नाम कौन कौन सा, एक तो सी एस, यहाँ पर सी एस रहेगा, सी एस और सी वन भी और सी वन एच, तीनों रूप में डिनोट किया जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिया हूँ एच ओ सी एल का, किसका लिया हूँ एग्जाम्पल, एच ओ सी एल का यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक, तो इसमें देखिए ये क्या होता है, एक एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, एच ओ सी एल एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक प्लेन पर होता है, जैसे कि आप इसको स्क्रीन के प्लेन पर क्या कर दिए हैं, लेटा दिए हैं। ठीक, इसके ऊपर बिछा दिए हैं पूरा इसको, एच ओ सी एल को, प्लेनर है, एंगुलर है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस इसमें क्या रहेगा, एक सीधा सीधा इस यहाँ से आप ऐसे करके बाहर निकाल सकते हैं, स्क्रीन से जस्ट अबव, स्क्रीन के परपेंडिकुलर, यदि स्क्रीन प्लेन पर आप मानते हो एच ओ सी एल बिछा हुआ है, तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर ओ से होते हुए जेड एक्सिस बाहर निकलेगा, जो कि क्या होगा सी वन, इसका कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, 360 डिवाइड बाई 360 होगा, इसलिए यहाँ पर सी वन बनाएगा। साथ में यहाँ पर क्या है, एक मिरर प्लेन है जो कि सीधा सीधा मॉलिक्यूल को कवर करेगा। ध्यान में होगा, आपको ध्यान आ रहा होगा, जब मैं मिरर प्लेन को जब डिस्क्राइब कर रहा था तो वहाँ पर मैं आपको क्लियरली मेंशन किया था, अगर आप वीडियो नहीं देख रहे तो जाकर देखिए, वहाँ से अच्छा सा समझ में आएगा, मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं दूंगा। मॉलिक्यूल के ऊपर यदि अगर कोई प्लेन लगाते हैं, जैसे कि ये अपना क्या बोलते हैं, इसके स्क्रीन प्लेन है या मॉलिक्यूलर प्लेन है, अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक मिरर को ऐसे ला के रखा, ठीक, ये स्क्रीन प्लेन, इसके ऊपर मैं एक मिरर को ला कर रखता हूँ, अब इसको जैसे कि ओपन किया इस प्रकार से, तब ये डिफरेंट इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन देता है। ठीक, इसी को अपने को क्या करना है, बोला था मिरर प्लेन में कंसिडर करना है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि हम इसको मिरर को कैसे रखें, ऐसे, तो एटम का पोजीशन कहाँ पर रहता है, वहीं का वहीं रहता है, मिरर में दूसरा दिखता है। ठीक, तो उसी पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर किया गया है, यहाँ पर एच ओ सी एल मिरर मॉलिकुलर प्लेन जो कि स्क्रीन प्लेन पर है, उसी के ऊपर मिरर को रखे हैं, तो ये क्या बनेगा, स्क्रीन प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और मॉलिकुलर प्लेन तो ये बन जाएगा सिग्मा एच, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी वन एच। ठीक, उसी प्रकार से आप फिनाल का भी एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर भी सी वन एच बनेगा। एनिलिन क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है ये, तो यहाँ पर आपको सी वन भी मिलेगा, ट्राई कीजिएगा, अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको बता दूंगा पर्टिकुलर। ठीक, उसी प्रकार से एक सब्स्टिट्यूट लेते हैं एलिन पर। ठीक, एक एलिन पर सब्स्टिट्यूट लेते हैं मोनोफ्लोरो एलिन पर बात करते हैं, तो यहाँ पर एक मोनो सब्स्टिट्यूट लिया हूँ, तो ये भी किस में आएगा, सिग्मा वन
सिग्मा 1H में आ जाएगा। और मोनो सब्स्टिट्यूट एथिलीन के बारे में बात करते हैं तो ये भी किस में आएगा, सिग्मा 1 सिग्मा H में आएगा, C1H में। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये होगा। आई होप ये क्लियरली समझ में आया होगा किसको आपको CS में लेना है। अगला बात करते हैं, अगर आपको इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस दिखा है वहां पर, ठीक, इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस दिखा है। अब ये जनरली आपको रोटेशनल प्रॉपर एक्सिस दिखेगा, वहीं पर कहीं कहीं इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस भी दिखता है। जनरली यहाँ पर इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस हम क्यों कंसिडर करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इवन ऑर्डर पर ही पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है देखते हैं। जनरली आप वीडियो देख चुके होंगे, जैसे कि इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर मैं पूरा डिटेल से बताया हूँ कि इवन ऑर्डर क्या होता है और ऑड ऑर्डर में किस प्रकार से अपने को ऑपरेशंस मिलते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर ये जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ओनली एक इवन ऑर्डर में पाया जाता है एसएन पॉइंट ग्रुप, जैसे कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही रेयर कंडीशन होता है एसएन पॉइंट ग्रुप। तो इसमें हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड प्रॉपर रोटेशन एक्सिस अब्सेंट होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्रॉपर रोटेशन एक्सिस अब्सेंट कैसे हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में, जब SN के बारे में बात कर रहे हैं। और SN कहाँ से डिसाइड होता है, जो नंबर ऑफ ऑर्डर है N इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, N इज इक्वल टू ऑर्डर होता है रोटेशन का, रोटेशन ऑर्डर होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि प्रॉपर रोटेशन एक्सिस अब्सेंट हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ये भी अब्सेंट हो। तो जनरली दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर यहाँ पर इसका कम्यूटेशन देखते हैं तो कुम्युलेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपस में ये कैंसल आउट हो जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, यहाँ पर जो रोटेशन एक्सिस होता है वो सी एन बाई टू में प्रेजेंट होता है, ना कि सी एन में। यहाँ पर सी एन में ना प्रेजेंट होगा, कहाँ पर कैसा प्रेजेंट होता है, सी एन बाई टू। ये कैसे होता है क्लियर करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर एस फोर ऑपरेशन का। एस फोर ऑपरेशन में आप देखेंगे एस फोर का जब पहला रोटेशन देखते हैं तो आप इसको किस प्रकार, इस प्रकार से नोट करेंगे, सी फोर और सिग्मा, ठीक, दोनों का पावर में क्या है, 1-1 है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर 1। अगला अगर इसका दूसरा ऑपरेशन लेते हैं, दूसरा ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से होगा, एस फोर टू का सी फोर का दूसरा ऑपरेशन और सिग्मा टू का दूसरा ऑपरेशन, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सिग्मा टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इवन ऑर्डर होने पर ये आइडेंटिटी बनाता है, और यहाँ पर सी फोर टू को हम क्या लिख सकते हैं, सी टू लिख सकते हैं, ठीक। क्यों लिख सकते हैं, जैसे कि सी फोर हम बोल रहे हैं मतलब 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री का 90 डिग्री का दो रोटेशन, या तो आप बोल सकते हो 180 डिग्री का एक रोटेशन, दोनों सेम होगा, ठीक। यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये 180 डिग्री हो गया और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री का दो रोटेशन कराओ या तो 180 डिग्री का एक रोटेशन कराओ, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। इसलिए सी फोर टू को हम क्या लिख सकते हैं, सी टू लिख सकते हैं। और ये हो गया आइडेंटिटी, तो इसके साथ आइडेंटिटी का गुणा करूँगा तो अपने को ओवरऑल सी टू ही मिलने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर अपने को C2 मिला। अगला इसका हम देखेंगे तो S43 करते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, अगर सिग्मा ऑड ऑर्डर में होता है तो अपना पर्टिकुलर ऑपरेशन देता है, और S44 करता हूँ तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पर देखते हैं तो ये कंप्लीट 4 रोटेशन हो गया, मतलब 360 डिग्री रोटेट कर लिया, मतलब ये आइडेंटिटी हो गया और इवन ऑर्डर में आइडेंटिटी, ओवरऑल ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ठीक। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अगर इसका देखा जाए तो ओवरऑल क्या मिला अपने को, एक तो ई मिला, दूसरा आपको यहाँ पर क्या मिला है, ई सी टू एस फोर थ्री और एस फोर। यहाँ पर जो ऑर्डर क्या था, रोटेशन का 4 था, और रोटेशन पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं रोटेशन में आपको 4 ऑर्डर में नहीं मिल रहा है, ए 4 का क्या मिल रहा है, हाफ, जिसको मैं यहाँ पर बोला हूँ एन बाई टू। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा रोटेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और इसमें कहीं पर भी आपको फाइनली आंसर में आपको सिग्मा कहीं पर नहीं दिख रहा होगा। इसी पॉइंट को बोला गया प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्रॉपर रोटेशन एक्सिस दोनों ही क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ये जनरली कहाँ पर होता है, इट अचीव्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं डी एन
साथ में सी एन या सी एन एच का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए ये डबल प्रोपेलर स्ट्रक्चर बनाता है। जितना भी एग्जांपल यहाँ पर मिलेंगे सब डबल प्रोपेलर स्ट्रक्चर होता है। डबल प्रोपेलर स्ट्रक्चर मतलब एक तो इसका क्या होगा, प्लेन में होगा, तो दूसरा थोड़ा सा प्लेन से ऊपर उठा हुआ रहेगा। ठीक, प्लेन पर ही ऊपर से देखेंगे तो आपको प्लेन जैसा ही दिखेगा, लेकिन क्या होगा, एक प्लेन में है, जैसे कि ये एक प्लेन हो गया, एक थोड़ा सा क्या रहेगा, इससे ऊपर उठा हुआ रहेगा, फिर अगला जो रहेगा फिर उससे नीचे रहेगा, अगला जो रहेगा फिर वो ऊपर रहेगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल इस फॉर ऑपरेशन में कुछ इस प्रकार से आपको एलिमेंट मिलेंगे, इसको हम सी फोर आई के नाम से भी जानते हैं, सी फोर आई के नाम से जानते हैं, और ये आइसोमॉर्फिक होता है सी फोर का। ठीक, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, सी फोर आई ये आइसोमॉर्फिक होता है सी फोर का, और जैसे कि अभी हमने बताया डी एन और सी एन या सी एन एच के साथ कॉम्बिनेशन होता है डी एन का, तब ये स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होता है और ये डबल प्रोपेलर स्ट्रक्चर अपने को बनाता है, देता है। ठीक, तो इसमें जो इसका एग्जांपल होगा या तो टेट्राफिनाइल मेथेन, ध्यान में रखिएगा बल्कि स्ट्रक्चर होता है, टेट्राफिनाइल एथेन, टेट्रा नाइट्रोमेथेन, या तो फिर 1,3,5,7 टेट्राक्लोरो साइक्लो आप्टा टेट्रा इन हो सकता है, या 12 क्राउन 4 ईथर होता है इसका एग्जांपल। 12 क्राउन 4 ईथर का एग्जांपल आप स्ट्रक्चर आप तो सबको पता होगा। यहाँ पर देखते हैं तो एक प्लेन में होता है तो एक आउट ऑफ प्लेन होता है, इसी प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको डबल प्रोपेलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, जो एस एन पॉइंट ग्रुप होता है। ठीक, अगला एस सिक्स ऑपरेशन देखते हैं, तो इसमें इसको हम सी थ्री आई के नाम से जानते हैं इस ऑपरेशन को, इसका दूसरा नाम, और ये आइसोमॉर्फिक होता है सी सिक्स का या तो सी थ्री एच का आइसोमॉर्फिक होता है। इसका एग्जांपल जो देखेंगे हेक्सा अमीनो बेंजीन या तो 18 क्राउन 6 ईथर इसका एग्जांपल होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये